मैं हूं प्रियंका संभव, आप देख रहे हैं मनी नाइन। यह है टीवी नाइन नेटवर्क की मल्टीलिंगुअल पर्सनल फाइनेंस वेबसाइट। अगर आपको लगता है कि बैंक फिक्स डिपॉजिट में आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित रहता है, आपको यहां पर रिटर्न भी अच्छा मिलता है और इससे बेहतर कुछ नहीं है, तो मैं कहूंगी कि आपको गलत लगता है, क्योंकि इससे बेहतर रिटर्न और आपका पैसा सुरक्षित रख सकता है पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम। इसमें कई तरह के छोटे छोटे स्कीम्स हैं जिसमें आप छोटी सी राशि से ही शुरुआत कर सकते हैं। तो पोस्ट ऑफिस के इन स्कीम्स की क्या खास बात है, किस तरह का रिटर्न मिलता है और आपका टैक्स कौन सी वो स्कीम है जो बचाती है, इन सब पर आज मैं बात करने वाली हूँ। मेरे साथ हैं आज सेव नई इन्वेस्टर में रूंगटा सिक्योरिटीज के हर्षवर्धन रूंगटा। हाय हर्षवर्धन, स्वागत है आपका मनी नाइन में, थैंक यू सो मच। और पोस्ट ऑफिस आखिरी बार आप कब गए थे हर्ष, मैं ये पूछना चाहूंगी। वेल, पोस्ट ऑफिस में खुद तो हालांकि बहुत टाइम हो गया पोस्ट ऑफिस में कदम नहीं रखा हूँ, क्योंकि जो आज की तारीख में मेल, ईमेल से और कुरियर से काम हो जाता है, स्पीड पोस्ट और के लिए ऑब्वियसली ऑफिस से कोई ना कोई ऑफिस बॉय जाता है, और लेकिन मैं खुद पर्सनली तो पोस्ट ऑफिस में बहुत टाइम से गया नहीं। लेकिन फिर भी पोस्ट ऑफिस के कुछ सेविंग स्कीम्स हैं, इसलिए शायद हम उन पर ध्यान भी नहीं देते हैं। तो आप पोस्ट ऑफिस के इन सेविंग स्कीम्स को इन्वेस्टमेंट के लिए किस तरह का प्रोडक्ट मानते हैं, किस तरह के निवेशक के लिए इन्हें सही मानते हैं? वेल प्रियंका, अगर हम देखें तो ये एक फिक्स डिपॉजिट का एक सब्स्टिट्यूट है, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ स्मॉल सेविंग्स के अंडर में आता है, जो पोस्ट ऑफिस के थ्रू ये यू नो इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं। सवाल था कि ये किस तरह से हम इसे कंपेयर कर सकते हैं, तो वेल पहली चीज ये सेंट्रल गवर्नमेंट के भाव पे होती है, तो आपके पास एक सॉवरेन गारंटी रहती है कि ये पैसे बैंक, जैसे कि अगर कोई डिफॉल्ट हो गया तो आपके पैसे अटक गए, वैसी आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा, इनकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो इतना यू नो मिनिमम रखा गया है कि एक आदमी हजार रुपए से भी शुरू कर सकता है। तो अगर आपकी छोटी बचत है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ स्मॉल सेविंग्स की हम बात कर रहे हैं, तो स्मॉल सेविंग स्कीम है ये, अगर कोई चाहे तो 5,000-10,000 रुपए से भी अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकता है। और इनकी जो ब्याज दरें हैं, अगर हम आज की तारीख में भी कंपेयर करते हैं, तो ये ब्याज दरें आपकी रेगुलर बैंक से या कोई भी फिक्स डिपॉजिट आप करते हैं उससे कई ज्यादा है आज की तारीख में। तो एक बहुत ही अच्छा विकल्प है, स्पेशली आज की तारीख में जब इंटरेस्ट रेट घटते जा रहे हैं, तो ये एक ऑप्शन है आपके पास कि अगर आपको फिक्स रिटर्न चाहिए, आपको ये जानना है कि मुझे कितना डिपॉजिट करने से कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो डिपार्टमेंट ऑफ स्मॉल सेविंग्स, जो ये स्मॉल सेविंग्स इन्वेस्टमेंट है, ये बहुत अच्छी और एक ऑप्शन बन जाता है। तो आज तीन स्कीम पर बात करेंगे हर्षवर्धन जी आपसे। तो पहला तो पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, और ये मुझे इसलिए अट्रैक्टिव लग रहा क्योंकि इसमें आपको अपना जो इंटरेस्ट है उसका पे आउट मिलता रहता है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, शायद और किसी भी तरह के एफडी में ऐसा नहीं होता है। तो ये मंथली इनकम स्कीम क्या है, कैसे काम करती है, और ये जो इंटरेस्ट पे बैक है इसके बारे में समझाइए जरा। तो प्रियंका, ये ना एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है और ये रिटायरीज के लिए बहुत अच्छी तरह काम करता है। ये जो होम मेकर्स हैं या जो रेगुलर चाहता है अपने हाथ में, उनके लिए स्कीम बनाई गई है। तो जैसे आपने सही कहा कि एक इंसान अगर एक फिक्स डिपॉजिट, MIS और कुछ नहीं, एक फिक्स डिपॉजिट मान लीजिए, पहले वो न्यूज आई थी कि घटा दिया गया, लेकिन फिर वो फाइनेंस मिनिस्टर क्लैरिफिकेशन आया, तो 6.6% इसका ब्याज है सालाना, लेकिन जो अमाउंट होता है वो मंथली आपको पे आउट कर दिया जाता है। तो यू नो बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है। आपने मान लीजिए 50,000 रुपए की फिक्स डिपॉजिट की है, तो आपको 275 रुपीज आपको हर महीने के आपके बैंक में क्रेडिट आ जाएगा, और ये बैंक का अकाउंट जो है वो आपको पोस्ट ऑफिस में रखने की जरूरत नहीं है, आप अपना रेगुलर बैंक अकाउंट भी लिंक कर सकते हैं, तो ब्याज आपको उस बैंक अकाउंट में आ जाएगा। जो इसमें लिमिट दी गई है इन्वेस्टमेंट की, अगर एक इंडिविजुअल इन्वेस्ट कर रहा है तो मैक्सिमम वो 4.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकता है। ज्वाइंट अकाउंट होल्डर अगर आप बनते हैं, जैसे अपने हस्बैंड वाइफ या दो जन साथ में मिलके अकाउंट खोलते हैं, तो 9 लाख रुपए तक आप उसमें जमा कर सकते हैं। आप अपने माइनर के नाम पे भी अकाउंट खोल सकते हैं और उनकी वो 4.5 लाख रुपए की लिमिट अलग है। तो कुल मिलाकर अगर तीन इंसान एक परिवार के हैं, हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड, तो आप 4.5 लाख रुपया ईच पर्सन के नाम पे कर सकते हैं, तो लिमिट आपकी बढ़ जाती है। ज्वाइंट नाम पे जैसे मैंने बताया वो 9 लाख रुपए की रहेगी। एक फैक्टर है जो समझना जरूरी है कि जो भी ब्याज आप कमाते हैं वो टैक्सेबल होगा, सो ये टैक्स फ्री नहीं है। और जो पैसे आप जमा कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए 4.5 लाख या 1.5 लाख, जो भी अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे आपको ETC की छूट नहीं मिलती है, एक रेगुलर फिक्स डिपॉजिट के बराबर है। वेल यू नो मोटे तौर में तो यही एक जानने वाली बातें हैं। लॉक इन भी समझना होगा अगर किसी को इंटरेस्ट है तो, कि अगर 5 साल के लिए मैंने जमा कर दिया, मुझे अगर जरूरत पड़ी तो क्या मैं पैसे निकाल सकता हूँ। सो वेल फर्स्ट ईयर में आप उसे नहीं निकाल सकते, अगर आपने अभी डिपॉजिट किया 1 साल के अंदर आप उसे नहीं निकाल सकते। आप
एक साल के बाद और 3 साल के पहले अगर निकालना चाहते हैं तो ऑप्शन है आपके पास कि आप उसे प्री मेच्योरली ब्रेक करके निकाल सकते हैं, लेकिन आपको 2% पेनल्टी देना होगा। तो मान लीजिए 4.5 लाख रुपए की अगर आपने डिपॉजिट की है, 1 साल और 3 साल के बीच में आप निकाल रहे हैं, तो आपको 2% 4.5 लाख रुपए पे 9,000 रुपए आपको पेनल्टी लगेगा। और 3 साल के बाद निकालते हैं और 5 साल तक कंटिन्यू इस दौरान अगर निकालते हैं, 3 साल और 5 साल के बीच में एकदम 1% पेनल्टी है। तो लिक्विडिटी है लेकिन पेनल्टी के साथ में। डिपॉजिट जैसे मैंने कहा, आपने अगर 50,000 की डिपॉजिट की है तो 275 रुपीज उसका ब्याज बनता है जो हर महीने आपके अकाउंट में आ जाएगा। अगर आपको इस ब्याज की जरूरत नहीं है, आप हर महीना नहीं चाहते हैं कि पैसे आए, तो एक चीज आप कर सकते हैं कि ये 275 रुपीज है जो भी ब्याज है उसका आप एक रिकरिंग डिपॉजिट खोल सकते हैं वही 5 साल के लिए। तो इंटरेस्ट आपके अकाउंट में आएगा और वही आप वापस री इन्वेस्ट कर देंगे। एक दूसरा ऑप्शन है कि आप एक SIP कर लीजिए म्यूचुअल फंड में, जो इक्विटी या डेट जैसे आपकी स्कीम में करते हैं, आप इसे इंटरेस्ट को भी आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन रहते हैं क्योंकि आपको ये अलग से मिल जाएगा ये ब्याज। अब ये बताइए, जो मंथली इनकम स्कीम में आपने कहा ना कि 4.5 लाख जो है वो अपर लिमिट है, 2 लोग अगर करेंगे तो 9 लाख तक वो कर सकते हैं, आपको नहीं लगता है कि इसको बढ़ाने का वक्त आ गया? ये अगर इतना अच्छा रिटर्न दे रहा है तो इसको इतना कम क्यों रखा गया अपर लिमिट? अगर लोग चाहें तो उससे ज्यादा का निवेश करना कोई चाहे तो? कई कारण है। तो एक है कि ये इंस्ट्रूमेंट है, वैसे देखा जाए तो बड़ी डिपॉजिट ये सब के लिए नहीं है। सो आई थिंक उसकी लिमिट रखेंगे तो ही वो स्मॉल सेविंग होगा। ओके, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरी स्कीम पर और वो है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये कैसे काम करता है? इसमें मुझे ये तो पता है कि इसमें आप निवेश करेंगे तो ATC का बेनिफिट आपको मिलता है, यानी आप अपने ATC में इतना पैसा दिखा करके इनकम डिडक्शन ले सकते हैं, लेकिन काम कैसे करता है NSE? So, well, NSE की अगर हम बात करें तो ये भी 5 साल का डिपॉजिट है। आप जो भी अब आज अगर आप इस क्वार्टर में अगर NSE निकालते हैं तो आपका 6.8% के हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा, लेकिन पोस्ट ऑफिस MIS के एवज में ये थोड़ा अलग है। इसमें ब्याज आपको रेगुलरली नहीं मिलता है, ये क्यूमुलेटिव टाइप की स्कीम है। तो मान लीजिए आज आपने 1,000 रुपए लगाए तो 5 साल बाद ये 1,389.49, बेसिकली आप समझिए 1,390 रुपए आपको 5 साल बाद एक साथ वापस आता है। तो इसमें रेगुलर इंटरेस्ट आपको 5 साल में नहीं आएगा, ये क्यूमुलेटिव टाइप की स्कीम है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें भी जैसे मैंने कहा कि इसका भी 1,000 रुपए ही है और फिर मल्टीपल्स ऑफ 100 में आप कंटिन्यू करते रहिए। माइनर भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस MIS की हमने बात की थी। इसमें एक फर्क है MIS से, वो है कि इसमें जब आप पैसे निवेश करते हैं उसमें आपको ATC का बेनिफिट मिलता है। सेक्शन ATC में जो 1.5 लाख की लिमिट है वो आपको इसमें बेनिफिट मिलता है। अगर आप ये इससे ज्यादा भी आप डेफिनेटली 1.5 लाख के ऊपर कर सकते हैं, इसमें मैक्सिमम लिमिट कुछ भी नहीं है। तो आप चाहें तो 5 लाख 10 लाख 15 लाख जो भी अमाउंट चाहें आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन टैक्स बेनिफिट आपको 1.5 लाख रुपए का ही मिलेगा। बाकी चीजें जो समझनी की है वो कि अगर आप के बाद ही पैसे निकाल सकते हैं, पहले भी विड्रॉ कर पाएंगे क्या? जी नहीं, इसमें प्री मेच्योर विड्रॉल अलाउ नहीं होता है। सिर्फ अगर एक अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है या कोई कोर्ट का ऑर्डर होता है तब ये इसमें प्री मेच्योर रिडेम्पशन होता है। ठीक है, तीसरी स्कीम हर्षवर्धन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, किसान विकास पत्र। अच्छा, मैं बहुत समय से सोच रही थी इसका नाम है किसान विकास पत्र, क्या केवल किसान ही इसमें निवेश कर सकते हैं? लेकिन ऐसा नहीं है, अब कोई भी निवेश कर सकता है और इसका लेकिन मैच्योरिटी बहुत लंबा है। मैं देख रही हूँ सारे पोस्ट ऑफिस स्कीम में सबसे लंबी मैच्योरिटी इसी की है। तो किसान विकास पत्र कोई भी कर सकता है और इसकी क्या खास बात है? जी हाँ, ये जैसे आपने कहा कि किसान विकास पत्र ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसानों के लिए है। शुरू हालांकि हो सकता है किसानों को एनकरेज करने के लिए होगा। इसी प्रकार एक था इंद्र विकास पत्र, वो जो आज की तारीख में बंद हो चुका है, वो बेरर बॉन्ड्स की तरह था, हालांकि हम उसमें नहीं जाएंगे। तो ये आपने सही कहा कि 124 मंथ का टेन्योर है और विच इज नथिंग बट 10 years and 4 months, 10 साल 4 महीने की पूरी डिपॉजिट की स्कीम है। और इसका इसका ये तरीका किस तरह रखा गया है कि आपने 1,000 रुपए डाले, मान लीजिए 124 मंथ या 10 साल 4 महीने बाद आपको डबल होके मिलेगा। तो 1,000 रुपए डाले, 2,000 रुपए मिलेगा। अगर हम इसका रिटर्न देखते हैं तो करीबन 6.9% आसपास आता है। लेकिन ये बनाया ऐसी गया है कि आदमी इंसान एक इन्वेस्ट करते हुए समझ ले कि मैंने 1,000 डाले हैं, 10 साल और 4 महीने बाद ये मुझे डबल होकर पैसे मिलेंगे। तो रिटर्न मुझे 6.9% का मिला और ये मेरा कैलकुलेशन हो गया सिंपल। इसमें बीच में आपको वापस पूरे 10 साल 4 महीने के टेन्योर में आपको ब्याज नहीं आने वाला। इंटरेस्ट जो आप कमाते हैं वो टैक्सेबल है, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग आई मीन इंपॉर्टेंट होता है, लोग जानना चाहते हैं कि क्या ब्याज जो रिटर्न आ रहा है मुझे उस पर टैक्स लगेगा। जी हाँ, ये टैक्सेबल है।
इसे प्लेज कर सकते हैं, ऑफकोर्स अगर आपको बीच में लिक्विडिटी चाहिए, लेकिन जो प्लेज कर सकते हैं सिर्फ आप बैंक्स या यू नो आरबीआई जो कोऑपरेटिव बैंक्स है, कोई गवर्नमेंट कंपनीज हैं, कॉर्पोरेशन जो हम बात करते हैं, लोकल बॉडीज हैं, उन्हीं को आप कर सकते हैं ये। तो आप ऐसे जाके किसी और मनी लेंडर्स पर्टिकुलरली उनके साथ आप इसे प्लेज करके नहीं ले सकते। जो प्री मेच्योर क्लोजर की बात है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि आप 2 साल और 6 महीने बाद इसको आप प्री मेच्योर ही क्लोज कर सकते हैं। तो लिक्विडिटी चाहिए लेकिन आपको 2.5 साल रुकना होगा। अब ये बताइए जो ब्याज है, अभी स्मॉल सेविंग स्कीम बहुत चर्चा में रहे, सरकार ने ब्याज उसमें कम किया, फिर वापस अपने इस ऑर्डर को ले लिया, तो ये ब्याज की तलवार तो लटकती रहेगी ना, इंटरेस्ट कम भी हो सकता है, सरकार इसे 3 महीने में रिव्यू करेगी, तो मुझे इसके लिए प्रिपेयर रहना होगा अगर मैं इनमें निवेश करूँ कि हो सकता है इंटरेस्ट कम भी मिले मुझे आगे जाकर। नहीं प्रियंका सर, एक्चुअली ये जो तीनों स्कीम्स की हमने बात की ना, इन तीनों स्कीम्स में अगर अभी इस क्वार्टर में आपने डिपॉजिट कर दिया तो ये जो डिपॉजिट है ये आपको अगले 5 साल या 10 साल 4 महीने जो हम बात की ये वही रहने वाला है, ये एग्जिस्टिंग डिपॉजिट पे चेंज नहीं होगा। मान लीजिए जुलाई में जो नेक्स्ट क्वार्टर में ये ब्याज दरें घटा दी जाती है, तो जब कोई फ्रेश डिपॉजिट करेगा उस पे वो फ्रेश रेट आपको मिलेंगे, रिवाइज रेट जो कम हुए हुए रेट होंगे वो आपको मिलेंगे। तो आज की तारीख में जो डिपॉजिट करते हैं यही फिक्स रहेगा आपको पूरे टेन्योर के लिए। पीपीएफ में जो हम ब्याज दरें घटने की बात करें वो पीपीएफ और ये प्रोडक्ट पे इफेक्ट करता है कि वो लागू होता है सारे डिपॉजिट पे जो आपने पास में भी किया है। लेकिन रिव्यू हो सकता है ना, 3 महीने में बदल सकता है, पर अगर मैंने निवेश जिस पॉइंट पर शुरू करूंगी वही इंटरेस्ट मुझे उसकी मैच्योरिटी तक मिलेगा। दैट्स राइट, एब्सोल्युटली राइट। ओके, सो इंटरेस्ट कम हो सकता है, लेकिन आप अगर अभी पैसे डाल देंगे और मान लीजिए इसके 3 महीने बाद इंटरेस्ट कम हो जाता है तो आपको वही पुराना इंटरेस्ट मिलता रहेगा जिसमें आपने निवेश की शुरुआत की है। अब मुझे ये बताइए आप किन्हें सलाह देते हैं कि वो पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करें। सो प्रियंका, ये ऐसी स्कीम है जिसमें ये फिक्स डिपॉजिट इक्विवेलेंट है। अगर आप बैंक में मान लीजिए स्टेट बैंक की फिक्स डिपॉजिट करने जा रहे हैं जहाँ पे 5.4% का ब्याज है आज की तारीख में, 5 साल की डिपॉजिट अगर हम लेते हैं तो आप वहां क्यों करें जब आपको ऑलमोस्ट 100 बेसिस पॉइंट 1 परसेंटेज पॉइंट आपको ज्यादा यहाँ मिल रहा है। तो आप डेफिनेटली ये कंसिडर करेंगे कि फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टर्स जो रिटायरीज हैं वो चाहते हैं कि उन्हें हर महीने की एक फिक्स रकम मिलती रहे। तो पोस्ट ऑफिस MIS बहुत अच्छी स्कीम है, हर महीने आपको ब्याज मिल रहा है एट द रेट ऑफ 6.6% जो आपको कोई और दूसरा डिपॉजिट नहीं दे रहा। कई ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो म्यूचुअल फंड्स डेट स्कीम समझते नहीं है, इंटरेस्ट रेट का मूवमेंट है तो ब्याज कभी कम मिल रहा है, कभी उन्हें रिटर्न ज्यादा मिल रहा है, कभी नेगेटिव भी जा रहा है। तो अगर आप इन चीजों से कंफर्टेबल नहीं है और फिक्स डिपॉजिट की तरफ एक श्योर अमाउंट चाहते हैं कि मुझे पता रहे कि मुझे कितना ब्याज मिल रहा है, तो ये पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम्स जो है वो सबसे सुपीरियर आज की तारीख में, क्योंकि ब्याज दर ज्यादा है, सॉवरेन गारंटी है। थैंक यू सो मच हर्षवर्धन, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। तो जाहिर तौर पर पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम आपके लिए, अगर आप कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, हाँ एक बार ध्यान रखिएगा पोस्ट ऑफिस के सेविंग स्कीम में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको एक बार पोस्ट ऑफिस विजिट करना होगा, फॉर्म वहाँ पर भरना होगा, फॉर्म ऑनलाइन भी मौजूद है, लेकिन आपको एक बार फॉर्म डिपॉजिट करना होगा और उसके बाद ये स्कीम शुरू होगी, तो एक बार पोस्ट ऑफिस का चक्कर तो लगाना ही पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हम उम्मीद करते हैं कि हम आपकी मदद कर पा रहे हैं पैसे को बचाने में और उसके इन्वेस्ट करने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मनी9।